फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ना शुरू किया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे और पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्टार्टिंग में हमने कोई सिंपल सिंपल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्यों होता है, तो जैसे लीनियर मोशन में जो मास जैसे चाहिए रहता है, लीनियर मोशन में जैसे एफ बराबर एम ए करते थे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करते थे, तो लीनियर मोशन यानी कोई लाइन में अगर कोई मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो उसमें हमें एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, मास, इस तरह की क्वांटिटीज चाहिए रहती थी जिससे हम कोई लीनियर मोशन या जो रेखीय गति है उसके बारे में हम समझते थे। वैसे ही अगर रोटेशनल मोशन में जाना है तो रोटेशनल मोशन के जो पैरामीटर है, सबसे पहला पैरामीटर हो गया जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वहां पे हमने जब एंगुलर काइनेटिक एनर्जी जब डिफाइन कर रहे थे, तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या देखा, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी में एक टर्म आती है आई, जिसको अपन एम इंटू आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, है ना, एंगुलर एम आर स्क्वायर। तो इसी को हमने क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो मास लीनियर मोशन में करता है। जब मान लो लीनियर मोशन होता है ना, गाड़ी चल रही है, जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वो सारी जो इक्वेशन लगाते थे हम, वो सारी लीनियर मोशन के लिए काम आती थी। अब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन से पहले हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा, तो सर्कुलर रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है, सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री जो होती है, एक सर्कुलर सर्कमफ्रेंस होगी, परिधि हो गई, उसके अनुदिश कोई गति हो रही है, तो सर्कुलर मोशन है। रोटेशनल मोशन क्या है, कोई अपनी खुद की एक्सिस पे अगर रोटेट हो रहा है मान लो, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर निकाल रहा है, वो तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन अर्थ में जो दिन और रात होता है वो उसके खुद पे, खुद की जो एक्सिस है उस एक्सिस पे जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से रोटेशनल मोशन होता है। और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, कोई पॉइंट मास हो उसकी वजह से, कोई रॉड हो उसकी वजह से, या फिर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट हो उसकी वजह से, फिर रिंग की वजह से, फिर डिस्क की वजह से, फिर हॉलो सिलेंडर की वजह से, फिर सॉलिड सिलेंडर की वजह से। तो इतने सारे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, बहुत ही सिंपल सिंपल थे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं हम। कॉम्प्लेक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम देखेंगे, अगर कोई मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई हॉलो अगर स्फेयर हो, खोखला गोला हो, तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसके बारे में आज अपन सीखेंगे। तो आज अपन लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर। कोई खोखला अगर गोला है मान लो, खोखला गोला कैसे हो गया, जो टेनिस की बॉल होगी ना, टेनिस की बॉल क्या होती है, अंदर से खोखली होती है, अंदर हवा भरी रहती है। और सॉलिड स्फेयर फोर्स गोला अगर मान बात करें तो कौन हो गया, कोई रबड़ की जो लेदर बॉल हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, खोखला गोला एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे टेनिस बॉल हो गई है ना, या फिर प्लास्टिक की बॉल हो गई, कचकड़े वाली बॉल बोलते थे इसको, है ना। तो टेनिस बॉल जो है एक तरह से वो कैसी है, हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव करती है, ठीक है, या प्लास्टिक की बॉल होगी, तो ये सारे क्या है, हॉलो स्फीयर्स है। तो हॉलो स्फीयर अगर कोई हो तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स होगा। तो मान लीजिए ये कोई हॉलो स्फीयर है, इतना बड़ा ले लिया मैंने, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रख के इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कोई होलो स्फेयर है और इसकी रेडियस है कोई कैपिटल आर और इसका मास है कैपिटल एम, ये इसका ले लिया मान लो रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है कैपिटल आर, और इस होलो स्फेयर का जो मास है वो कितना ले लिया, मास ले लिया कैपिटल एम, और कैपिटल आर है इसकी रेडियस। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मान लो इस एक्सिस के रिलेटिव में, ये जो एक्सिस है ना, हमें इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि जो स्फेयर से पास हो रही है उसके सेंटर से पास हो रही है, एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर, ये है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्सिस पासिंग फ्रॉम फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है, जो स्फेयर के सेंटर से पास हो रही है। क्यों, क्योंकि एक्सिस का भी बड़ा रोल रहता है। जैसे रॉड वाले केस में मैंने बताया था कि रॉड के किनारे से अगर देखें तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री आता है, और रॉड के बीचों बीच वाली एक्सिस के रिलेटिव में एम एल स्क्वायर बाई थ्री
12 आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्सिस आप कौन सी मान रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आना चाहिए। तो हम एक्सिस कौन सी ले रहे हैं, जो स्फेयर है हमारा, जो गोला है, खोखला गोला, उसके जो केंद्र से गुजर रही है, जो सेंटर से गुजर रही है एक्सिस, उसके रिलेटिव में लिया। मान लो ये इस तरह से रोटेट होता है, तो अब इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। अब देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हम जितने भी ये जो हमारा पूरा होलो स्फेयर है, इसको हम छोटी छोटी रिंग में ब्रेक कर सकते हैं। रिंग में कैसे ब्रेक करेंगे, मान लो मैं यहां से यहां पर, मान लो एक कोई जनरल थीटा एंगल पे, यहां पे मान लो मैं एक थीटा एंगल पे, ये मान लो मैं लिया एक थीटा एंगल, ठीक है, इस थीटा एंगल पे एक छोटा सा डी थीटा विड्थ का रिंग ले लेता हूं। देखो कैसे लूंगा, इसको ध्यान से समझना। यहां से यहां पर एक डी थीटा विड्थ का रिंग लिया, ये छोटे से एंगल का डी थीटा विड्थ लिया, ये क्या है, एक कोई डी थीटा एंगल है, विड्थ है, ठीक है। ये रेडियस आर है तो ये भी आर ही रहेगा। अब ये रिंग कैसे ले रहा हूं डी थीटा विड्थ का, ये रिंग देखो कुछ मैं ऐसे ले रहा हूं, यहां से इस तरह से, यहां पे और एक यहां पे ऐसे, समझ आ रही। देखो इसको मैं थोड़ा हाथ से बना देता हूँ और ज्यादा समझ में आएगी। जैसे ये जो रिवेट की रिंग है यहाँ पे ऐसे, ऐसे, ठीक है। इस d थीटा विड्थ का मैंने यहाँ पे एक रिंग लिया है, ये d थीटा विड्थ का एक रिंग है, तो इस पूरे खोखले गोले को क्या किया जा सकता है, छोटे छोटे ऐसे रिंग में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे जो संतरा होता है, संतरे को जब छीलते हैं तो ऐसे उसका छिलका निकलता है ना, तो एक छोटी छोटी रिंग्स में तोड़ सकते हैं। जैसे ये छोटी रिंग, ये बड़ी रिंग, ये बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, रिंग रिंग बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही, बड़ी हो रही है, फिर वापस छोटी होती है, 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 और फिर वापस बहुत छोटी हो जाती है। तो हम इस स्फीयर को क्या ले सकते हैं, स्फीयर को ले सकते हैं कि ये स्फीयर छोटी से बड़ी फिर वापस छोटी होती हुई रिंग से मिलकर बना हुआ है। वी कैन कंसिडर दैट होलो स्फेयर इज मेड बाय various rings of different size, ठीक है। हम ऐसा मान सकते हैं कि अलग अलग साइज की जो है, अलग अलग आकार की, अलग अलग जो रिंग है, जो वर्ताकार रिंग्स होती हैं, उन रिंग्स से मिलके क्या बना हुआ है, ये एक होलो स्फीयर बना हुआ है, ये खोखला गोला बना हुआ है। वी कैन कंसीडर दैट होलो स्फीयर इज मेड ऑफ वेरियस रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज। पहले छोटी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी 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 हो रही है, ये मैक्सिमम साइज की रिंग यहाँ पे हो गई, और फिर ये छोटी रिंग, छोटी रिंग, छोटी रिंग, फिर और छोटी होती 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 यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, है ना। तो ऐसी रिंग्स में इसको तोड़ सकते हैं। जैसे आप कोई अगर टेनिस की बॉल लो तो उसको आप चाकू से ऐसे काटो, स्लाइस करो, तो आपको बहुत सारे रिंग मिल जाएंगे ना, मिल जाएगी ना। जैसे प्याज है, प्याज को आप काटते हो तो प्याज अलग अलग तरह, अलग अलग बहुत सारे लेयर्स में बना होता है, शेप में कटता है प्याज जो है, एक छोटा सा गोल प्याज है, वो अलग अलग परतों में बना हुआ होता है। अब आप काटोगे तो हर परत एक नया स्फीयर है, एक खोखला गोला है। अब वो सारे स्फीयर हटाते जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, प्याज की रिंग मिलती है ना। तो हम क्या मान सकते हैं कि एक जो खोखला गोला है वो बहुत सारे अलग अलग रिंग से मिलके बना हुआ है, तो ये मान सकते हैं। अब मान लिया कोई जनरल मैंने छोटी सी रिंग ले ली यहां से थीटा एंगल पे, जिसकी विड्थ कितनी ली मैंने, डी थीटा विड्थ ले ली, ठीक है। अब देखो इस रिंग का मास अगर मान लेता हूं मैं डीएम है, इस रिंग का मास क्या मान लिया मैंने, कोई छोटा सा डीएम मास मान लिया, क्योंकि देखो कोई कंटिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है,
हम क्या करते हैं, पहले छोटा सा मास लेते हैं, उस छोटे से मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम इंटीग्रेशन करके टोटल ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, है ना, यही करते हैं। तो देखो इसका छोटा सा मास मैंने कोई डीएम ले लिया, अब डीएम इसका छोटा सा मास है, इस छोटे से मास की अगर मैं रेडियस, इस रिंग की रेडियस की बात करूँ तो रिंग की रेडियस ये नहीं होगी क्या, इस रिंग की रेडियस क्या होगी, ये होगी, क्योंकि इस छोटी सी रिंग का जो ये छोटी सी रिंग बन रही है, इस रिंग का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो छोटा सा मास तो मान लिया मैंने डीएम है, इसकी रिंग की रेडियस भी अच्छी होगी ना, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ये तो डीएम हो गया। अब इसकी रेडियस देखो क्या हो जाएगी, ये अगर आर है तो ये जैसे यहाँ से यहाँ तक वाला ये जो पोर्शन है ये तो जाएगा आर कॉस थीटा, मैं देखो यहाँ से दिखा सकता हूँ, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये तो हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वाला ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा ना, यहां से यहां तक का देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा, हमें तो केवल रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा ही नहीं हो जाएगी क्या, इस छोटी सी रिंग को जो हमने कंसिडर किया है उस रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि इस छोटी सी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग, तो इस छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मान लो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया डीआई, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, इस रिंग का छोटा सा मास कितना लिया, डीएम लिया, इस रिंग की रेडियस कितनी ली हमने, आर कॉस थीटा है इस रिंग की रेडियस, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जाएगा ना, तो ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी रिंग की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आर ऑफ रिंग, ये हमने पहले निकाला था कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, जहां पे एम तो हो गया मास ऑफ रिंग और आर हो गया रेडियस ऑफ रिंग, तो यहाँ पे रिंग का मास कितना है, छोटा सा डीएम है, उसकी रेडियस कितनी है, आर कॉस थीटा है, तो डीएम इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम डीएम को आर या फिर अलग क्रम में दिखाएंगे, क्योंकि हमें अगर टोटल मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये छोटी छोटी जो रिंग्स है इन सभी रिंग्स का जब हम छोटा 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस होल स्फीयर का वो मिल जाएगा। तो अगर छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ के हमें पूरा बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना, जोड़ने जो एक तो हो गया 1+1, 1+2, 1+3, एक तो ये जोड़ना हो गया, लेकिन एक कंटिन्यूस एडिशन के लिए हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है, जोड़ना, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी आई क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आई, है ना, तो ये आई हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम इंटू, यहाँ पे मैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसको आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया इसको। अब देखो डीएम को चेंज करना पड़ेगा, डीएम को हमें थीटा या फिर आर के टर्म्स में बदलना पड़ेगा, तो अब देखो यहाँ पे जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया का मास लिया जाएगा, मैंने पहले भी ये बताया था कि अगर मास लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो मास पर यूनिट लेंथ लिया जाता है, मास कोई एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो मास पर यूनिट एरिया लिया जाता है, यहाँ पे खोखला गोला है तो खोखले गोले पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑन होलो स्फीयर, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे कि ऑन होलो स्फीयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एरिया, है ना, मास जो है एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो पर यूनिट मास ऑफ पर यूनिट एरिया, सो मास ऑफ पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो पर यूनिट एरिया का मास है वो कितना हो जाएगा, टोटल मास तो होलो स्फीयर का कितना है, कैपिटल एम है, और टोटल एरिया कितना होता है, 4πr² होता है ना, जो कोई खोखला स्फीयर होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, तो कैपिटल एम अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर, ये तो एक मास पर यूनिट एरिया हो गया पूरे स्फेयर के लिए, है ना, टोटल स्फेयर का मास डिवाइडेड बाय उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं इस छोटी सी रिंग का मास कितना है वो तो है हमारा डीएम। अब इस छोटी सी रिंग का एरिया निकाल के देखें एरिया। अब देखो इस छोटी सी रिंग का जो थिकनेस है, मैं यहां से यहां की बात करूं, अगर थिकनेस की बात करूं इस रिंग की, तो इस रिंग की थिकनेस क्या आर डी थीटा नहीं हो जाएगी, आर टाइम्स डी थीटा, क्योंकि आर्क लेंथ निकालनी है ना। जैसे मैं यहाँ पे जैसे ये कर सकता हूँ, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये रिंग है, इस रिंग की रेडियस आर है, ये है आर रेडियस और ये है डी थीटा एंगल, तो ये आर्क हो गया, ये क्या हो गया हमारा आर्क हो गया ना, ये है आर्क। तो आर्क लेंथ अगर निकालनी हो तो आर्क बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा, है ना, एंगल बराबर क्या होता है, एंगल जो होता है ना कोण, एंगल बराबर क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये बेसिक्स में मैंने बताया आपको, है ना, जो कोई भी एंगल होता है ना थीटा वो क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ देखो कितनी आ जाएंगी यहाँ पे, थीटा कितना है डी थीटा है, हमें आर्क लेंथ निकालनी है, आर्क लेंथ तो ये कितनी हो जाएगी आर्क अपॉन रेडियस कितनी है आर है, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, है ना। तो यहां से ये जो थिकनेस है इस छोटी सी रिंग की वो कितनी हो जाएगी आर डी थीटा हो जाएगी। तो इसलिए थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ स्मॉल रिंग, उस रिंग छोटी सी रिंग जो है उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी आर डी थीटा हो जाएगी। आर डी थीटा ऊपर वाली और स्मॉल रिंग और नीचे स्मॉल रिंग का भी सेम ही होगा ना, वो चेंज होता रहेगा। हाँ अलग हाँ सारे देखो थिकनेस तो ये रहेगी आर डी थीटा रहेगी, डी थीटा क्या स्मॉल एंगल है, नीचे वाली स्मॉल रिंग उसका भी रिंग आर डी थीटा, नहीं थिकनेस सेम रहेगी लेकिन सभी की रेडियस भी तो चेंज होती रहेगी, जैसे इसकी क्या है रेडियस आर कॉस थीटा है, थीटा 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 चेंज होएगा, जैसे जैसे थीटा चेंज होएगा ना, तो थीटा चेंज होएगा वैसे रेडियस भी चेंज होती जाएगी, है ना, तो थिकनेस क्या होगी आर डी थीटा होगी। अब देखो ये जो रिंग है इस रिंग को क्या ले सकते हैं हम, एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इस रिंग को ऐसे एक लाइन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस रिंग को जब ये ऐसे हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी थिकनेस तो क्या हो गई आर डी थीटा हो गई, और इसकी जो विड्थ है या जो लंबाई है लेंथ वो कितनी हो जाएगी उसकी, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, तो 2 पाई इनटू आर। अब लेकिन आर यहां पे कितना है, आर कॉस का नहीं है क्या, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा हो जाएगी इसकी क्या लेंथ, है ना। तो ये रिंग होगी, इस रिंग को अगर हम खोलेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा रॉड जैसा, जिस रॉड की थिकनेस क्या होगी आर डी थीटा और उस रॉड की लेंथ क्या होगी 2 पाई आर कॉस थीटा हो जाएगी। तो इस छोटे से रॉड का जो छोटा सा एरिया होगा, मान लो उस एरिया को ले लेता हूँ डी ए, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया क्या लेंथ इनटू विड्थ नहीं हो जाएगा, तो लेंथ कितनी है 2 पाई आर कॉस थीटा है लेंथ, और विड्थ कितना है आर डी थीटा है, तो लेंथ तो हो गई 2 पाई आर कॉस थीटा। तो यहां से देखो क्या रिलेशन आएगा, डीएम अपॉन डीएम डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा देखो 2 पाई आर इंटू आर आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, यानी कि 2 बन जाएगा, यानी कि डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी एम बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगी। तो यहां से देखो नेक्स्ट मैं ले लेता हूं, डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखो है ना 4 पाई से 2 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इस कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो छोटा सा मास है डीएम वो कितना हो जाएगा एम बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो हमने डीएम को क्या कर दिया कैपिटल एम के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन आया था क्या आया था डीएम आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो मान लो ये इक्वेशन हो गई 1 और वो हो गई इक्वेशन 2,
तो इक्वेशन टू की वैल्यू किसमें रख देंगे, इक्वेशन वन में. तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इंटू वन. तो एक में इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, तो देखो हमारा जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm. dm की जगह मैंने रख दिया m by 2 cos theta a theta, और आगे क्या था, r square cos square theta था ना, तो उसको वैसा के वैसे रख दिया. तो ये हो जाएगा r square cos square theta. ठीक है, ये बन जाएगा. आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां से देखो I इज इक्वल टू आ जाएगा m बाई 2 को मैं बाहर ले लेता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहां पे अंदर देखो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर को भी बाहर ले लूं, r स्क्वायर को भी बाहर ले लिया, और ये बन जाएगा देखो cos क्यूब थीटा, है ना. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos क्यूब थीटा d थीटा, ऐसे लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा cos क्यूब थीटा d थीटा. अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखो क्या हो जाएगी. लिमिट्स देखो, हम थीटा यहां तक पहुंचा रहे हैं, मान लो ये थीटा हो गया 90 डिग्री, यहां से यहां थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, और लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, यहां से करनी है ना, यहां से सारी रिंग हम जोड़ना शुरू होंगे, यहां से रिंग छोटी रिंग से शुरुआत करेंगे, फिर बड़ी 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 ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन अभी इस तरफ जा रहे हैं, मान लो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहां से रिंग्स जोड़ते हुए यहां तक आ रहे हैं. तो ये थीटा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोई माइनस का 90 डिग्री, है ना, जैसे ऐसे देखो ये हो गया माइनस का 90 और ये हो गया प्लस का 90. तो लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी, माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक जाएगी, है ना. थीटा बराबर माइनस का 90 डिग्री, ये तो देखो थीटा जीरो हो गया, है ना, ये प्लस का 90 हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस. तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक जाएगा. तो यहाँ पे जो लिमिट्स होगी वो जाएगी आई इज इक्वल टू, लिमिट चलेगी हमारी एम आर स्क्वायर बाई टू, और थीटा इज इक्वल टू माइनस में पाई बाई टू से थीटा इज इक्वल टू प्लस पाई बाई टू, ये लिमिट चलेगा और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा. ये बन जाएगा. आई बात समझ में? अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा का. देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम, मैं इसको थोड़ा सा जुगाड़ टाइप लिखता हूँ. देखो इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, पर इंटीग्रेशन ये आप 12th क्लास में जब आपका इंटीग्रेशन चैप्टर आएगा तो आप वहां पे सीखोगे इसे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जुगाड़ करके बता देता हूँ कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा. तो यहाँ पे देखो मैं केवल कॉस क्यूब थीटा का ही इंटीग्रेशन ही ले लेता हूँ सीधा ही. ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस में पाई बाय टू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा. एग्जैक्टली कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन जो है, आप सिस्टमेटिकली 12th क्लास में आपका इंटीग्रेशन मैथ्स में टॉपिक रहता है, जो मैथ्स के बच्चे होते हैं, बायो वालों को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मैथ्स वालों को इंटीग्रेशन पूरा का पूरा चैप्टर होता है. तो वहां पे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इंटीग्रेशन करने को मिलते हैं. मैंने पहले भी बोला कि भाई रॉड वाला केस था, रेक्टेंगुलर प्लेट वाला केस था, रिंग वाला या फिर डिस्क वाला, सिलेंडर वाला, सॉलिड, वो सारे आसान थे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल है. यहाँ पे ये चीज जो है ना इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन करना कॉम्प्लेक्स है. तो देखो कैसे आएगा ये इंटीग्रेशन, इसको ध्यान से समझना. मैं कॉस क्यूब थीटा को देखो ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस क्यूब थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, लिख दिया. अब देखो मैं कॉस क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया कॉस थीटा डी थीटा हो गया. ठीक है, अब देखो अगर मैं कोई कॉस थीटा डी थीटा है तो इसको मैं डी ऑफ साइन थीटा लिख सकता हूँ. अगर मान लो मैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करता हूँ डी ऑफ डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो ये क्या हो जाता है, ये कॉस थीटा के बराबर आएगा ना, है ना. यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा नहीं हो जाएगा,
डी ऑफ साइन थीटा अपॉन डी थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, इस डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत तगड़ा जुगाड़ है, बहुत शानदार लेवल का इंटीग्रेशन है ये। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है तो ध्यान से समझना, और फाइनल आंसर वैसे याद करना है हमें 2/3 mr², ये डेरिवेशन आपको नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपका मैं जो डेप्थ है कि कैसे हाई लेवल का इंटीग्रेशन किया जा सकता है उसके लिए आपको बता रहा हूँ। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो इस डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई किया तो डी साइन थीटा बराबर क्या हो गया कॉस डी थीटा हो गया। तो इतना जो ये टर्म आया है इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं डी ऑफ साइन थीटा नहीं लिख सकता क्या, इसको डी ऑफ साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस में पाई बाई टू से पाई बाई टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी ऑफ साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखो मान लो मैं साइन थीटा को एक्स मान लेता हूं, मान लो साइन थीटा क्या है कोई एक्स है, ठीक है। तो देखो लिमिट क्या चेंज होगी, अगर साइन माइनस पाई बाई टू रखू मैं तो यहाँ पे देखो लोअर लिमिट जो होगी x की, अगर मैं x की वैल्यू साइन माइनस पाई बाई टू पे निकालूं तो साइन माइनस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू वन होता है तो माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा माइनस वन, और x की ये तो हो गई लोअर लिमिट के लिए, और अपर लिमिट के लिए हो जाएगा साइन पाई बाई टू की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगी वन हो जाएगा। यानी कि इस पूरे इंटीग्रेशन को देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, लिमिट को चेंज कर रहा हूं मैं माइनस वन से वन, और इस साइन थीटा की जगह रख रहा हूं मैं एक्स, क्योंकि साइन थीटा को मैंने क्या मान लिया एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी ऑफ साइन थीटा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन करना आसान है ना, ये इंटीग्रेशन तो करना आसान है, कैसे मैं डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन से वन, तो ये हो जाएगा वन डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन करना आसान है ना, इसमें केवल x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन वाले फॉर्मूले लगने हैं। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है x ही होता है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन थ्री थ्री हो जाएगा, है ना, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। जैसा कि हम जानते हैं जो x की पावर n dx है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस वन n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है ना, तो ऐसे ही ये जो इंटीग्रेशन आया हमारा माइनस वन से वन वन डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो वन जो डी एक्स है वन, यानी कि ये क्या हो गया एक्स की पावर जीरो हो गया, तो जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन यानी कि एक्स आ जाएगा केवल, तो ये तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर टू प्लस वन यानी कि हो गया थ्री अपॉन में थ्री, और यहाँ पे लिमिट रख देंगे माइनस वन से प्लस वन, तो पहले तो वन रख देता हूँ प्लस वाला तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री, फिर माइनस वाला रखा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन बाई थ्री का होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस वन का होल क्यूब अपॉन थ्री, तो ये लिमिट्स की वैल्यूज होगी। यहाँ पे जब वैल्यूज रखोगे तो ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री माइनस ऑफ माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाई थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब और देखो आगे सॉल्व करेंगे इसको तो वन माइनस वन बाई थ्री माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री और माइनस 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 वन बाई थ्री हो जाएगा। किस क्यूब का माइनस वन पे क्यूब किया है ना, थ्री पे क्यूब नहीं करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन थ्री है तो जो लिमिट रखा ना लोअर लिमिट उस पे क्यूब किया यानी माइनस वन का होल क्यूब किया, समझ गए। अब देखो आगे और इसको लेते हैं, अब आगे देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन वन और वन टू हो गया, टू में से माइनस का टू बाई थ्री गया, टू में से गया माइनस टू बाई थ्री, तो कितना आ जाएगा ये छः में से दो गया चार बटे तीन आ जाएगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है ना इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है फोर बाई थ्री है ना। तो यहाँ पे जो ये जो इंटीग्रेशन है इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई फोर बाई थ्री आ गई ना, जो ये इंटीग्रेशन है हमारा यहाँ पे देखो इतना
इतने इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4/3 मिल गई, जो कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ये प्रोसीजर अपनाया था। मैंने पूरा ट्रिकी वे में कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, आप 12th क्लास में ये सारा मेथड सीखोगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ अभी। तो ये इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 4/3 रखनी है। तो देखो 4/3 रख देते हैं, तो इससे हमारा पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई, वो कितना हो जाएगा, बाहर तो पड़ा है mr²/2, और जो इंटीग्रेशन करके फाइनल वैल्यू कितनी आई, 4/3। तो यहाँ से एक स्फेयर की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 mr². तो ये फॉर्मूला आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए होल स्फीयर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो स्फीयर। ठीक है, कोई खोखला अगर गोला है, होलो स्फीयर है, तो उस होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 mr². तो ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको डेरिवेशन यहाँ वाला ही याद नहीं रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना, उस फॉर्मूले का हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए फॉर्मूला जरूर याद रखना। ठीक है, तो ये होता है कि होलो स्फीयर के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर है, इंटीग्रेशन वाले में है ना, और उस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, 4/3 आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 2/3 mr² आ गया। ठीक है, और ऐसा ही सेम पैटर्न में सॉलिड जो स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर के ऐसे ही निकालते हैं, इसका डेरिवेशन अपने 11th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक सॉलिड स्फीयर जो होता है उसकी वजह से भी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं हम। ये मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, तो नेक्स्ट लेते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर, कोई मान लो ठोस गोला हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे ठोस गोले का क्या एग्जांपल होगा, कोई रबड़ की गेंद हो गई जिससे अपन खेलते